वह उत्तराखंड में अचानक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। विपक्ष ने भी अपनी ओर से बैठक को लेकर कई सवाल खड़े किए। बैठक में बीजेपी हाईकमान की ओर से बनाए गए पर्यवेक्षक, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद अजय भट्ट, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कहा कि राज्य में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा। 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो रहे हैं, इसी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी कहा 18 मार्च को राज्य भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा बैठक में तय की गई। कोर ग्रुप की बैठक थी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दोनों लोग यहां आए थे। विशेष रूप से क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे 18 तारीख को, उस कार्यक्रम को कैसे किया जाए और सरकार की उपलब्धियों को कैसे हम जनता तक पहुंचाएं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय सांसदगण, सभी सांसदगण यहाँ पर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से लेट हो गए हैं। अब बैठक समाप्त हो गई है और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सब लोग चाय पीने जा रहे हैं। आज कोर कमेटी में 18 तारीख को जो 4 साल पूरे हो रहे हैं उसे कैसे भव्य दिव्य मनाएंगे, इस पर हमारी चर्चा हुई। उन्होंने 18 तारीख का कार्यक्रम हम 70 विधानसभाओं में करेंगे, एक साथ करेंगे, हर विधानसभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहेगा, जो अच्छे काम सब हुए हैं उनका सेलिब्रेशन होगा, इस बारे में चर्चा हुई। आज अचानक देहरादून के अंदर भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। सुनने में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर है, सत्ता परिवर्तन की यानी कि लीडरशिप चेंज, मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने की भी खबर सामने आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब आप कोई भी परिवर्तन कर लीजिए, ना आपकी छवि प्रदेश के अंदर सुधरने वाली है और मंत्रिमंडल विस्तार से प्रदेश लाभान्वित नहीं होने वाला है। जो प्रचंड बहुमत का अपमान आपने किया पिछले 4 सालों में, ना आपने स्वास्थ्य मंत्री इस प्रदेश को दिया, ना आपदा मंत्री इस प्रदेश को दिया, ना पीडब्ल्यूडी का मंत्री दिया, ना आबकारी मंत्री दिया, और उसके चलते प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा, महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता रहा, शराब व्यापारियों की तूती बोलती रही, भू माफियाओं और खनन माफियाओं का यहां बोलबाला रहा। ऐसे में सड़कें जब खुदी रही, महिलाओं ने शौच में प्रसव किया, उस वक्त उत्तराखंड के जो घाव, जो छाले आपने दिए हैं, वो अब आप कोई भी कवायद कर लीजिए। बड़ी लंबी चौड़ी बैठक हो रही है, लोगों का आवागमन हो रहा है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सुना पधारे हुए हैं, तमाम विधायक गैरसैंण को छोड़कर यहां पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री स्वयं बैठक में शरीक हैं, लेकिन ये सारी मशक्कत या ये सारी एक्सरसाइज के बाद भी उत्तराखंड आपके दिए हुए घावों को या छालों को भूलने वाला नहीं है। ये मैं भाजपा के लोगों से कह देना चाहती हूं, उत्तराखंड याद रखेगा कि आपने कोरोना संकट में कितना उनको घाव दिए हैं। उत्तराखंड की महिलाएं अपना अपमान नहीं भूलेंगी जब आपने 120 ज्यादा शराब की दुकानें यहां खोल दी। यहां किसान नहीं भूलेंगे वो अपमान जब 17 किसानों ने आत्महत्या कर ली। व्यापारियों पर जिस तरह से नोटबंदी जीएसटी आपने लादने का काम किया, उनका पूरी तरह से व्यापार कारोबार जो है चौपट हो गया है, टैक्सी मैक्सी चालक है, टूरिज्म पूरी तरह से बेहाल है। ऐसे में आप कोई भी कवायद कर लीजिए, कोई भी बैठकें कर लीजिए, आपके प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उत्तराखंड की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है, वो बदलने वाला नहीं है। कोर कमेटी की बैठक की गई, जिसको लेकर सियासी हलचल भी अब तेज हो चुकी है। कई तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4 साल पूरे होने के इस खास मौके पर 18 मार्च को, जब त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो जाएंगे, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपना तर्क दे रहा है, वहीं विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, 3 पद अभी खाली हैं, ऐसे में उसको लेकर भी हलचल काफी तेज हो गई है। तो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तर्क दे रही है,
कोर कमेटी की इस बैठक को। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी पहुंचे हुए थे, दो ऑब्जर्वर यहां पहुंचे हुए थे, दुष्यंत भी पहुंचे हुए थे जो कि प्रभारी हैं। तो काफी अहम माना जा रहा था कोर कमेटी की बैठक में इन दोनों ऑब्जर्वर के पहुंचने को लेकर। तो सियासी उथल पुथल अब यहां पर मस्ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कोर कमेटी की कल बैठक हुई, सत्ता पक्ष अपना तर्क दे रहा है कि 4 साल के कार्यकाल को पूरा होने के कार्यक्रमों को लेकर यहां बैठक की गई। 18 मार्च को कई कार्यक्रम किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए और कोर कमेटी की बैठक को लेकर भी यहां काफी सियासी भूचाल मचा हुआ है। काफी अहम मानी जा रही थी ये बैठक बीजेपी कोर कमेटी की। जब अचानक बैठक बुलाई गई तो सियासी महकमे में ओहराम मच गया।